हेलो गाइस, नमस्ते सारे आजू। आज हमें बुलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए और नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी देने के लिए कुछ जगहों में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। देखिए हमारी रिहर्सल। तो हमारा पहला प्रोग्राम था ज्वालामुखी मंदिर में। कैसे हम ज्वालामुखी मंदिर की ओर जा रहे हैं? हमारी गाड़ी लगी ठीक मंदिर की सीढ़ियों के नीचे। हाँ, पहले मम्मी से स्टार्ट होगा। पहुंच गए हैं ज्वाला जी और हमारा शो होने वाला है थोड़ी देर में शुरू। प्रेपरेशंस चल रही हैं, सभी बिजी हैं प्रेपरेशंस में। सबसे पहली परफॉर्मेंस है माता का भजन। कलाकार हैं, सरकार के कलाकार हैं और ये जागरूक करने आए हैं किस चीज पर, आपको कुछ ही देर में अपने नाटक के जरिए हम बताएंगे। आप सभी से गुजारिश है, आइए भजन भी गाएंगे। माँ ज्वाला जी के दरबार में, उनके चरणों में, उनके प्रांगण में यहाँ पर हम पहुंचे हैं। अगर आप भी कोई भजन भी गाना चाहते हैं, आप भी गा सकते हैं हमारे साथ। सरकार के ये लोग कुछ देर में हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत होगी जिन पर बहुत ज्यादा माँ ज्वाला जी का आशीर्वाद है। आप सभी से पुनः गुजारिश है कि इस प्रांगण में आइए और इस कार्यक्रम को देखिए। बेड़ा गर्व होवा ने ना मेरा जुना रिश्ता करवाया दिखने तो बड़े साल लग रहे थे का नाम में ये करतूतता दिखी तो प्यावे कड़ो की गाई अंदा है इतने कर ना कि तू किन जाना रिश्तेदारी से देश से भाई होगा तो फिर मुर्गा तैयार है ना। हां बढ़िया बढ़िया। किस यो हां लत लगानी है तै लत नहीं मैडम जी गांधी का बाहर कटन गए थे पकड़ा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं नहीं ऐसा
1098 को वो वाला किसका होता है? चाइल्ड हेल्पलाइन है। और आपने कौन सा नंबर बताया? 1908। और इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं, ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, ऐप में आप ऐसे ऐसे ड्रग पैडलर्स रीतू और रोहित इनकी फोटोज अपलोड करिए और इनको पकड़ने में मदद करिए। ऐसे ऐसे ड्रग पैडलर्स हमारे हिमाचल में अब नहीं चलेंगे। इनको पकड़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है, है कि नहीं? ठीक है, मैं इनको लेके जाती हूँ कहाँ पे? आपको ये बताने की कोशिश की है कि नशा करना है क्योंकि महामारी हमें हर नशे से बचा लेती है। आज हम महामारी के दरबार में हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम अपने समाज को, हम अपने हिमाचल प्रदेश को, हम अपने देश को नशा मुक्त करेंगे। क्या आप मेरे साथ प्रण लेते हैं? जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये प्रण लेते हैं कि हम नशे से दूर रहेंगे? जोर से हो गया है। और देखना मेरे को यहाँ लगा दिया टिक्का, मैंने अब देखा है ना, देखना मेरे को टिक्का कहाँ लगाया था, साइड में तो थोड़ा साइड में है ना, टिक्का जोत का होगा ना, जोत का लगाते होंगे क्योंकि अभी हमें टिक्का लगाया है। दर्शन को टाइम इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है अभी आरती को लगेगा आधा घंटा, तब तक वेट करेंगे और फिर दर्शन करेंगे। आपको दर्शन मैं यहाँ पे LED है वहाँ पे करवा देती हूँ और इसके बाद हम कहीं और भी जाएंगे। शो तो हो गया और पूजा अभी चल रही है, तो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम लंगर खा के जाएं, प्रसाद चुन के जाएं, तो वही हम खाने लगे हैं। लंगर के लिए बैठी तैयार, भूख लगी है आपको? लगी, बिल्कुल लगी है आपको? रिहैब सेंटर से आ चुके हैं, आप लग गई थी, अभी आप ठीक हो चुके हैं। थैंक यू आपकी मेहरबानी से, आप यहाँ पर पहुँच पाए हो, नहीं तो मुझको गुजार लगनी थी। मैंने अपनी सजा काट के आ चुका हूँ भारत, मैं बैठने को नहीं काम छोड़ दिया। गुड माता की शरण में आ गए हो अब। तेरे आप करो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखाते पानी में से आग निकलती, पानी में से ज्वाला पानी अपने ऊपर भीड़ लगी होगी, अभी एक घंटा लग जाएगा लाइन में। अकबर ने नहर खुदवाई थी उस आग बुझाने के लिए, वो नहर वहीं से निकल रही अंदर अंदर से, नहर से ऐसे आग निकलती पूरी। सौ सठ पैड़ी मत अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया, सुना था आपने? वो सोने का छत्र है मगर अब जो पत्नी कितनी धातु में बन चुका है, धातु का लग बन गई है ना, कितनी कितनी धातु में बन गई है। रिसर्च हो, ये जो कटा हुआ ना सब रिसर्च के लिए गया था, तो ये तो बना था ना, दो ले लेने। ये खट्टे ही हैं दोनों, इतना खट्टा का है, मजा आ रहा ना, पर है तो अच्छा है ऐसे, इतना खट्टा नहीं है। यहाँ का प्रोग्राम हो चुका है और हमारी गाड़ी कहाँ लगी थी? बिल्कुल मंदिर की जो सीढ़ियां शुरू होती है ना वहाँ पे लगी थी, और इतना स्पेशल फील हो रहा था। कोई नहीं जाता वैसे यहाँ से ऊपर, ये लास्ट स्पॉट है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, बट हम लोग गए थे ऊपर तक। क्रूज में कितनी हवा डलती है बताओ,
कितनी लगती है? कुछ कह रहे हैं 32, 35 और ये कह रहे हैं 40। बस्ती पानी बंद पाई दिया था अपने से दिल से। 35 बढ़ाओ। 32 तो कुछ नहीं। नहीं नहीं ठीक है। थोड़ी जरूरत ज़्यादा कम है ना, मैंने 32 की बढ़ाओ। 8 पॉइंट ज़्यादा डलवा रहे थे आप। ओ भाई इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ ये होता है हल्का सा कि आपका एवरेज बढ़ जाती है गाड़ी की, हल्का सा बस आपको थोड़ा कंफर्ट में हल्का सा फर्क पड़ता है, बस एवरेज बढ़ जाती गाड़ी की मेरी। कंफर्ट जरूरी है कि एवरेज भैया? ठीक है फिर पावे दो की दे। नहीं मैं पूछ रही हूँ भैया से। दोनों चीज़ें हमारे साथ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी और इन कलाकारों के साथ घूमने वो भी आए हैं, आपको जानकारी देने आए हैं। तो आइए अभी दिखी रहते हैं प्रोग्राम, बस थोड़ी देर आप लगानी है, इसके बाद गीत संगीत करें नाटक पहुंच जाता है। अलग जगह जाके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे ताकि समाज को जागरूकता आए और नशे जैसी चीज से दूर रहकर विकास की ओर बढ़े, एक आदर्श समाज का निर्माण करें। एक बार पुनः मैं इनकी सारी टीम को, इनके सारे सहयोगियों को, इन्होंने अपना कीमती जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। जब एक बंदा है बाहर सुरंग के ना, उसने सबसे पहले आते हैं पता है क्या पूछा बाहर? कहता इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अंदर से क्यों नहीं पूछता था? अंदर से फंसे थे वो। वो देखो ना, वो था क्या बोलते हैं मजदूर। अब एक टीम लीडर होता है जो बात करता है ऊपर हायर अथॉरिटी से, सबसे थोड़ी बात कराते कि आप करो बात। मोबाइल में चलते अब ये रास्ते नहीं होंगे, मोबाइल पर चलेंगे, ये सब काटा सब खत्म। ये तो फिर हो जाएगा इतने लोग क्रिकेट खेलने करने के। लोग यहाँ है ही नहीं, लोग तो लोग का है क्रिकेट ग्राउंड मतलब जो भी है यहाँ पे बंदर रूप से यहाँ की जिसकी जमीन थी जिन लोगों जमीन रखी हुई थी पहले से सोचने के लिए कि कल को बेचेंगे हम लोग बेच लो। वैसे तो सरकारी है यहाँ पे सिस्टम, सारी फॉरेस्ट लैंड है आसपास, किसकी होगी यहाँ जमीन जो दुकान है बंदे की प्राइवेट है। आगे जाके मुझ के बाहर जो ये हम टनल क्रॉस कर लेंगे इसके बाद पर है टनल अब बेकार हो गई, ये तो बेकार होगी ना जमीने, अब क्या नहीं कर सकती सरकार, ये टनल भी वो हो जाएगी बाईपास तो बंद ही होगी उसे, सरकार क्या नहीं कर सकती। बड़ी तो 11 किलोमीटर की मेरे मनाली टनल, वहाँ भी जाना है मुझे। ये वो वाली अटल टनल 9 किलो 9 पॉइंट कुछ के 9.10 किलोमीटर सबसे बड़ी टनल, उससे भी बड़ी बड़ी उधर जे एंड के में होगी सबसे बड़ी, दोनों सेम ही है। हाँ
करो चॉइस। आपको याद है अब कि नहीं? चलो फिर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। शुभ आप पूछो मम्मी कौन सा चश्मा लूं। सॉक्स में मम्मी के चश्मा में